इछावर तहसील के ग्राम रामगढ़ स्थित विराज डैम में पहली बारिश में ही पानी लीकेज होने लगा है। इसमें डैम में जलाशय में पानी की कमी दिखने लगी है। इस जलाशय का निर्माण करीब लाखों रुपए की लागत से किया गया है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी देने, लेकिन जलाशय में पानी की कमी होने से किसानों को आगामी फसलों की सिंचाई के लिए पानी मिलना मुश्किल हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि रामगढ़ में जो डैम है वहाँ अंदर से लीकेज हो गया है, जिससे डैम में पानी कम बचा हुआ है। किसानों का कहना है कि हमने अभी सिंचाई भी नहीं की और डैम में पानी कम हो गया, जिससे हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पहली बारिश में ही डैम क्षतिग्रस्त होने की कगार पे है, तो आगे कैसे साथ देगा। ग्रामीणों का कहना है कि हमने कई बार प्रशासन को अवगत कराया, परंतु उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। अरे समस्या ये था कि ये पटाड़ा नदी का बैराज डैम सारा क्रैक हो गया, पानी पूरा निकल गया साहब, कोई कामयाबी नहीं रही है। अभी आपने इससे पानी नहीं लिया डैम से? अबे पानी जी नहीं लिया साहब, इससे पहले ये डैम क्षतिग्रस्त है। क्षतिग्रस्त हो गया साहब पूरा। समस्या ये आ रही है कि सर पानी नहीं मिल रहा हमको। पानी नहीं मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम ये कि ये डैम फूट गया, नीचे से पानी सीपेज हो रही है इसमें। नीचे से सीपेज हो रही है, मतलब इसकी नींव की पूरी भरपाई नहीं हुई, इसलिए पानी निकल रहा है।